गाड़ी को कितना भी चलाइएगा गाड़ी आपकी गर्म नहीं हो सकती है। तो कंप्रेसर उठाएंगे इसको डी को और आप डायरेक्टली हम इसे सेल्फ की स्विच प्रेस करेंगे, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इसको जब हम छोड़ेंगे कंप्रेसर गाड़ी का कट जाएगा। स्टेपनी इसका देखिए, इसके लिए एक रस्सी दिया हुआ है जो इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी में कहीं फंस गए तो इससे हम इंजन स्टार्ट रस्सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोनू अली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू अली ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज की तरफ से आने वाले थ्री व्हीलर कमर्शियल व्हीकल की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस गाड़ी में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है, सीएनजी प्लस डीजल। तो ये गाड़ी जो आपके सामने लगा हुआ है ये डीजल वेरिएंट में है और इसी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम इस गाड़ी के इंजन की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 470 सीसी की BS6 सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि एयर कूल्ड इंजन के साथ आता है। और बात करें हम इसकी फ्रंट लुक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको व्हाइट कलर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी शानदार लगता है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है साई ऑटो बजाज का यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है। यहाँ से आप अपने गाड़ी का तमाम सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। अगर आप अम्बेडकर नगर जिले से देख रहे हैं अकबरपुर से, तो यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सामने की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बड़ा सा विंडशील यहाँ पे, और यहाँ पे एक मिल जाता है छोटा सा वाइपर इसे क्लीन करने के लिए। दोनों ही साइड आपको मिल जाता है ORBM देख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ इस प्रकार का सामने का इसका फ्रंट लुक आता है जो कि काफी शानदार है। और ये लुक जो है बजाज का काफी पॉपुलर लुक है, आप देखकर ही पहचान सकते हैं किस किस कंपनी का ये गाड़ी है। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिया गया है इंडिकेटर लाइट, और देख सकते हैं यहाँ पे टेल लैंप दिया गया है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है नंबर प्लेट लगाने के लिए क्लिप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रिफ्लेक्टर मिलता है व्हाइट कलर का जो कि रात में आपको विजिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और नीचे तरफ देख सकते हैं आपको मिलता है यहाँ पे हाइलोजन हेडलैम्प सामने की तरफ, और यहाँ पे आपको मिल जाता है बजाज मैक्सिमा का बेजिंग जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे तरफ आपको मिलता है यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है हेलिकल स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्वर जो कि देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे शानदार है। और इसमें इस गाड़ी में दोनों ही साइड आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉकर, और यहाँ पे आपको मिल जाता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सेफ्टी के लिए अच्छा जाना जाता है। और आपको सामने की तरफ मिल जाता है 10 इंच का टायर। और वहीं हम बात करें इस गाड़ी की लेंथ की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 3230 mm की लेंथ मिल जाता है, और विथ की बात करें तो आपको 1393 mm का विथ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इस गाड़ी की अगर हाइट की बात करें तो 1818 mm का हाइट आपको देखने को मिलता है, और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए देखते हैं अब हमारे साथ क्या क्या आपको मिल जाता है ड्राइवर केबिन की तरफ। तो आपको यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे लॉक कर सकते हैं अपने अपने दरवाजे को, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा हैंडल देखने को मिलता है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है दो ग्लास देखने को। और आइए अंदर तक पूछते हैं सर से क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो सर आप बताइए क्या क्या हमें यहाँ पे मिलता है ड्राइवर केबिन की तरफ। इधर एक केबिन है गाड़ी की, इसकी गाड़ी में सबसे बड़ी खासियत है कि हैंड ब्रेक साइड लेफ्ट में है इसका, आप इसे लगा दीजिए गाड़ी की इसका व्हील स्टेप जाम हो जाएगा। इसको बाद आप डाउन कर सकते हैं इसको, और गाड़ी में सिस्टम ये दिया हुआ है, इसमें एक लाइट दी हुई, एक टेम्परेचर की लाइट इसमें दी हुई है यहाँ पे, एक ब्रेक की लाइट, अगर इसका ब्रेक आयल कम होता है इसमें लाइट इंडिकेट करेगा। ये मीटर फीचर है, स्पीड इसकी 80 की है जिसमें पेट्रोल का डीजल का भी है इसमें है, बैटरी का है, हीटर का है, लाइट डिपर का है, न्यूट्रल का है, MI लाइट जिसे चेक लाइट भी कहा जाता है, गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है तो चेक लाइट जल जाती है, किसी आसानी से पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी में कोई फॉल्ट या प्रॉब्लम है। अच्छा, केबिन लाइट इसमें है, यहाँ पे केबिन लाइट है, यहाँ ऑन और ऑफ है। ब्रेक है सिंगल पेडल जो हर व्हील को कंट्रोल करता है, इसमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम आता है इसमें, ऑयल इसमें ब्रेक ऑयल भी यूज होता है। अच्छा, इसका सिस्टम दिया हुआ है, एक डिग्गी साइड में है, छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो जी। और यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है सर, ये सामने देखिए, ये जो है हमारी गाड़ी का स्टॉपर है जिससे आपका इंजन बंद हो जाएगा। अच्छा, गाड़ी अगर हमारी स्टार्ट है उसको बंद करना है तो हमें इसको यूज करना है, गाड़ी अगर हमारी खड़ी है उसे हमें रिवर्स करना है तो रिवर्स के लिए इसे हम उठाएंगे, इसके बाद हम रिवर्स लगाएंगे, यहाँ पे R दिया हुआ है रिवर्स,
ये रिवर्स से गाड़ी पीछे जाएगा। अच्छा। डी स्टॉपर होता है जो हमारी गाड़ी का कंप्रेस्ड काटता है। अच्छा। तो कंप्रेसर उठाएंगे इसको डी को और अब डायरेक्टली हम इसे सेल्फ की स्विच प्रेस करेंगे, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इसको जब हम छोड़ेंगे कंप्रेसर गाड़ी का कट जाएगा। ओके। कटने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इसी स्थिति में देखिए अगर हमको आप बंद करना है गाड़ी तो हमारी गाड़ी यहाँ से बंद हो गई। ओके। इंडिकेटर है ये लेफ्ट ये राइट। अच्छा। इधर से डीपर है, इधर से आप पार्किंग, पार्किंग के बाद फुल लाइट हेडलाइट। अच्छा। इस पे डीपर भी दे सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं। ये सेल्फ के लिए स्विच है। अच्छा। हॉर्न है हमारा। हाँ। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो ये सब बटन दिए गए हैं इंडिकेट भी करेंगे। अच्छा। जिसके लिए पार्किंग इंडिकेटर जो चारों एक साथ जलेंगी उसके लिए यहाँ पे स्विच दी हुई है। अच्छा। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्विच दी रहती है, जैसे म्यूजिक सिस्टम कस्टमर्स कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं पसंद करते यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा स्विच दी है। अगर आप जो कस्टमर पसंद करते हैं म्यूजिक सिस्टम वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा। ये वाइपर के लिए दिया हुआ है। और ये वाला जी इसको नीचे करेंगे ऑन हो जाएगा, वाइपर चलेगा। अच्छा। ऊपर करेंगे वाइपर नहीं चलेगा, ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे सर ये वाला क्या है? के अंदर दिया हुआ है, ये 12 वोल्ट डीसी करंट है। अच्छा। जिसमें आप चार्जर लगा सकते हैं, चार्जर लगा के अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा। जिसके लिए एक सिस्टम और इसमें सर बताइए, सबसे बेटर सिस्टम इसका स्टेपनी। अच्छा। इसका देखिए इसके लिए एक रस्सी दिया हुआ है जो इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी में कहीं फंस गए तो इससे हम इंजन स्टार्ट रस्सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। जग दिया हुआ है, आप कभी स्टेपनी यूज करना है तो जग लगा सकते हैं। टूल्स के लिए साइड में बॉक्स दिया हुआ है, इसमें अंदर आप रख के टूल्स देखिए। अच्छा, टूल बॉक्स यहाँ पे है। फर्स्ट एड के लिए साइड में टूल है। अच्छा। बॉक्स है, इसमें आप फर्स्ट एड रख सकते हैं। ओके। स्टेपनी है, स्टेपनी के जस्ट बगल में ये बैटरी है, बैटरी साइड में आपको दिया हुआ है। बैटरी के जस्ट साइड में इसका फ्यूज दे दिया है। अच्छा। जैसे कुछ लोग होते हैं फ्यूज टूट जाता है परेशान या उड़ जाता है तो कस्टमर बहुत परेशान हो जाते हैं, गाड़ी बिना मिस्त्री का नहीं दिखा सकते यहाँ पे, बट उनके सेफ्टी के लिए दे दिया है कि साइड में रहेगा उनको दिख रहा है। ओके। और वो अपने फ्यूज को चेक कर सकते हैं और गाड़ी किसी भी स्थिति में रहेगी तो स्टार्ट भी हो सकती है। ओके ओके। बाकी आपके पैर के कंफर्टेबल के लिए लेग स्पेस भी काफी अच्छा दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ इस प्रकार का आपको मिल जाता है ड्राइवर केबिन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और काफी अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं हेडरूम भी है, काफी ऊंचा है यहाँ पे हाइट। और पीछे की तरफ आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है, आप अपने कार्गो पे यहाँ से नजर बना सकते हैं, यहाँ से आप अपने कार्गो पे ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए आइए आप दिखाते हैं आपको। वेंटिलेशन के लिए एयर पासिंग भी है इसमें सिस्टम है। अच्छा। ये जी इसे मान लीजिए गाड़ी में ज्यादा गर्मी है तो वेंटिलेशन का काम कर सकता है। ओके। तो आइए अब हम बात करते हैं पीछे तरफ डाला बॉडी की तरफ क्या क्या मिलता है, हम सब देख सकते हैं। और चलिए आपको बताते हैं कुछ इस तरह से, आप यहाँ से अपने गेट को बंद कर सकते हैं। तो सर अभी हमें बताइए कि क्या यहाँ पे मिलता है, कितने लोड यहाँ पे आप लोडिंग कर सकते हैं इसमें। देखिए सर नॉर्मली तो हम 15 से 20, 18 जो भी लोड कर सकते हैं। ओके। और इसका 5.5 से 5.25 का डाला मतलब लोडिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है 5.5 फीट लंबा और 4.5 फीट यानी कि लगभग 5 फीट की चौड़ाई यहाँ पे मिल जाती है आपको। डाला देख सकते हैं काफी बड़ा है यहाँ पे। और सर इस पे आप लोडिंग कितने मतलब कर सकते हैं बता सकते हैं आप? अधिकतम इसे 18 से 20। 18 से 20 मतलब क्या? 18 से 20। अच्छा, 18 से 20 क्विंटल आराम से इस पे लोड आप कर सकते हैं कि काफी अच्छा है। कोई भी कंपनी इतना लोडिंग करने का आपको नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है बजाज मैक्सिमा डीजल वेरिएंट है काफी यहाँ पे आपको मैक्सिमा सी वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। हम इसके इंजन के बारे में बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंजन दिया गया। सर इसके इंजन के बारे में आप कुछ बताइए हमें। जी सर इसका इंजन जो है बहुत ही मजबूत और बेहतर है, 470 सीसी का इंजन है। ओके। डीजल इंजन है जिसमें देखिए सर सबसे अच्छा ये दे दिया इसमें कि कूलेंट सिस्टम दे दिया। आप गाड़ी को कितना भी चलाइएगा गाड़ी आपकी गर्म नहीं हो सकती है, हीट नहीं हो सकती है। सबसे अच्छा सिस्टम ये है, इसका जो भी पार्ट्स हैं सामने से दिख रहे हैं आसानी से खुल सकते हैं, आसानी से लग सकते हैं। और जरा सर ऊपर से भी खोल के आप दिखाइए जरा हमें, यहाँ से आप अपने इंजन को खोल सकते हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस प्रकार के इंजन मिलते हैं जो कि काफी भड़कीला सा मतलब हैवी इंजन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे आप, काफी क्लीन इंजन इसका मिलता है आपको। BS6 में इसमें टेम्परेचर सिस्टम भी दे दिया है। ओके।
इसके साथ साथ ये गाड़ी का मोबिल फिल्टर है, साइलेंसर है, डीजल फिल्टर है, क्राउन गियर बॉक्स सब कुछ इसमें सिस्टम है। एक EGR सिस्टम है जिससे गाड़ी आपकी जरा सी भी गर्म नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ जिसे मैकेनिक भाषा में लोग कहते हैं कि AC तो यहाँ लगा है, लेकिन इसका नेम होता है रेडिएटर। रेडिएटर की वजह से गाड़ी गर्म नहीं हो सकती। गाड़ियाँ खड़ी रही बहुत दिन से ना। एयर फिल्टर का सिस्टम यहाँ से दे दिया है, आप आसानी से इसे खोल के यहाँ से एयर फिल्टर आप क्लीन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, कोई भी जरा भी परेशानी नहीं है। बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे मिल जाता है बजाज का ब्रांडिंग, और पीछे तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पे देख सकते हैं 10 इंच का टायर यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है मडगार्ड का फेंडर, मडगार्ड यहाँ देख सकते हैं काफी मजबूत है, यहाँ पे फाइबर का मिलता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है डीजल टैंक, यहाँ से आप अपने डीजल को फिल करा सकते हैं, इसमें आपको लॉक भी मिलता है। और पीछे साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे आ जाता है बजाज मैक्सिमा का ब्रांडिंग, और यहाँ पे नीचे सब देख सकते हैं आपको मिल जाता है एक रिफ्लेक्टर टेल लैंप और ब्रेक लाइट यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे इंजन के सेफ्टी के लिए एक जाली दिया गया है कुछ इस प्रकार का जो कि काफ़ी अच्छा है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो इस गाड़ी का है काफ़ी देख सकते हैं यहाँ काफ़ी हाइट पर है, आप कितने भी इस पर लोड करेंगे ये ज़मीन को मतलब नहीं छू सकता है, काफ़ी अच्छा है। और कुछ इस प्रकार का इसका लुक है, तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं हम सर से कि इस गाड़ी में कितना गारंटी और वारंटी किस प्रकार का हमको देखने को मिलता है, और इस गाड़ी का ऑन रोड कीमत और माइलेज के बारे में हम बात करते हैं। तो सर हमें बताइए इस गाड़ी का माइलेज क्या है। सर इसका माइलेज तो 28 से 30 किलोमीटर पर लीटर है। अच्छा, और इसका अगर आप ऑन रोड कीमत की अगर बात करें तो सर कीमत हमारी 3,46,000 रुपए इसके ऑन रोड कीमत पर जाती है। और सर कम से कम डाउन पेमेंट कितने देकर हम इसे फाइनेंस करा सकते हैं, आप बता सकते हैं? फाइनेंस के लिए सर आप 20 से 25,000 रुपए अगर दे दें डाउन पेमेंट के सर, तो आप सुन सकते हैं 20 से 25,000 रुपए तक के डाउन पेमेंट में इस गाड़ी को आप फाइनेंस करा सकते हैं। और सर आप किस बैंक के थ्रू आप फाइनेंस कराते हैं सर? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बजाज से करवाते हैं, महिंद्रा से करवाते हैं, बैंक से करवाते हैं, तो आप बहुत से बैंक हैं, बहुत से फॉर्म है, कहीं से भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि क्या मतलब ऑन रोड कीमत कितना हो गया इसका? 3,46,000 रुपए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सब कुछ इंक्लूड है टोटल ऑन रोड दम गाड़ी मतलब, और गाड़ी के साथ आप क्या ऑफर देना चाहते हैं सर बता सकते हैं कुछ? अगर सर आपके माध्यम से बताएं तो अगर आपके माध्यम से आपके वीडियो के माध्यम से कैसे भी कोई किसी भी प्रकार से अगर कोई आता है तो उसको हम 2 से 3,000 रुपए का डिस्काउंट दिलाएं, यानी कि आप 2 से 3,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट देंगे। जो भी अगर दोस्तों आप सुन सकते हैं जो भी आप लोग में से कोई भी अगर आते हैं हमारे वीडियो देखकर यहाँ पे बताते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट 2 से 3,000 रुपए देखने को इस गाड़ी को आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आपको ऑफर देने के लिए, तो आप मिलते हैं आपसे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एजेंसी पे आएगा तो आप इन भैया लोग से मिल सकते हैं, आप बताइए सर आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम अमित यादव है। और भैया का नाम? सर मेरा नाम विजय प्रताप सिंह। अच्छा, और ये भैया हैं, आप इनसे मिलिएगा और बताइएगा कि आप हमारे वीडियो देख के आए हैं, तो आपको एकदम मतलब कि फाइनल आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो यहीं पर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।